अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि वेबसाइट जो है वो उसमें काफी हेडिंग्स होती हैं, एक मेन हेडिंग होती है और फिर नीचे सब हेडिंग्स भी होती हैं, और उसके बाद वो कंटेंट जो है डिवाइडेड होता है डिफरेंट सेक्शन में इन हेडिंग्स की वजह से। ये हेडिंग्स क्या हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? एसईओ में गूगल जहां पर ये देखता है कि आपका कीवर्ड टाइटल में आ रहा है, आपका कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आपका कंटेंट आपके कंटेंट में वो कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वो ये भी देखता है कि क्या वो हेडिंग्स में भी आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हमारे लिए जो HTML की हेडिंग्स हैं, जिनको सिंपल हेडिंग्स भी आप कह सकते हैं या कंटेंट हेडिंग्स कह लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गूगल ये समझता है कि अगर आपका एक वर्ड इंपॉर्टेंट है या आपका एक टॉपिक है एक पेज के बारे में, तो वो बार बार जब रिपीट होगा तो वो हेडिंग्स में भी रिपीट होगा। हेडिंग्स की तकरीबन 6 टाइप्स हैं HTML के अंदर, और वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा कि H1 सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यानी सबसे ज्यादा मेन जो इंपॉर्टेंस है वो है H1 को दी जाती है, और ये नॉर्मली एक पेज पे एक होती है। अक्सर लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि H1 एक पेज में दो भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ अर्से पहले तक HTML5 से पहले तक ये माना जाता था कि HTML की हेडिंग H1 एक ही होनी चाहिए हर पेज के ऊपर। अगर एक भी नहीं है तो भी मसला है, और अगर एक से ज्यादा है तो भी मसला है। आपको अक्सर टूल्स भी ये एज एन इशू एरर बताएंगे, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने जो एक मेन पेज का टाइटल है या मेन पेज का नाम है उसको H1 असाइन करना है या अपने डेवलपर से असाइन करवाना है। इससे फायदा ये होगा कि इस H1 में जो भी आप लिखेंगे वो गूगल कंसिडर करेगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो अगर आपने मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान का पेज बनाया है तो मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान को H1 आप एज अ पेज टाइटल भी लिखेंगे, ताकि जब गूगल उसमें क्रॉलिंग के लिए जाए आपके पेज के ऊपर, तो वो ना सिर्फ मोबाइल फोन इन पाकिस्तान टाइटल में देखे, ना डिस्क्रिप्शन में देखे, बल्कि वो हेडिंग में भी देखे, और फिर आपके उसके बाद कंटेंट में भी देखेगा। इसी तरह से H1 के बाद H2 से लेके H6 तक डिफरेंट हेडिंग्स हैं। ये स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की स्टाइलिंग क्या है। तो आप ये इस वेबसाइट जब डिजाइन करवाएं या वेबसाइट जो भी आप थीम यूज करें उसमें मेक श्योर ये करें कि आपका मेन पेज टाइटल H1 एक दफा ही आए। उसके बाद जिस तरह से आपका कॉन्टेंट लेआउट स्प्रेड आउट है, जिस तरह से आपके सेक्शन बनते चले जाते हैं पेज के ऊपर, आप उन सेक्शंस को H2, H3, H4, H5 या H6 तक हेडिंग्स यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर क्या है। अगर आपका कंटेंट 500 वर्ड्स तक है तो मे बी आप 2 से 3 हेडिंग्स यूज कर लेंगे, आप उसको H2 में या H3 में डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है कि इसका सीक्वेंस कोई भी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि H1 पहले आए, H2 बाद में आए, H3 बाद में आए। सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप ये भी मैटर नहीं करता कि H2 कितनी दफा है तो H3 कितनी दफा है। गूगल सिर्फ ये देखता है कि H1 में क्या है और उसके बाद H2, H3, H4 में क्या क्या जो है वो उसमें क्या क्या शोर है। उसके बाद ये है कि उसमें जो चीजें आपने एज अ कीवर्ड डाली हुई हैं गूगल उनको प्रोमिनेंस देता है। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि अगर आपका मेन कीवर्ड है वो H1 में डाल दें, अगर आपके सप्लीमेंट्री कीवर्ड्स हैं यानी कि जो ग्रुप में हमने कीवर्ड डिसाइड किया था, मेन कीवर्ड को जब आप H1 में डाल चुके होंगे तो H2 में भी एक दफा यूज कर लें, पर H2 में एक दफा दूसरा कीवर्ड यूज कर लें, या फिर H3 में एक दफा सिनोनिम यूज कर लें। इस तरह से आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं अपनी हेडिंग्स को। HTML में ये जो आपको हेडिंग्स नजर आएंगी वो कुछ इस तरह से लिखी जाती हैं कि H1 का टैग ओपन होगा, उसमें वैल्यू आएगी, उसके बाद H1 का टैग क्लोज होगा। इसी तरह से H2, H3, H4 ये सब चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन अगेन ये तब पॉसिबल, ये तब आपको चाहिए होता है जब आप HTML में काम करते हैं। सवाल ये है कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि लाइव एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वेबसाइट के ऊपर या पेज के ऊपर ये हेडिंग्स किस तरह से नजर आती हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा डीजी स्किल्स की वेबसाइट की ही कि किस तरह से हमें पेज का लेआउट नजर आता है और उसमें हेडिंग्स कहाँ कहाँ पर लगी हुई हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने डीजी स्किल्स की वेबसाइट ओपन की है। इसमें आप देखेंगे कि ऊपर हेडर है, नीचे मेन्यू है, फिर ये वीडियो चल रही है, उसमें सेक्शंस बने हुए हैं, कंटेंट जो है डिफरेंट सेक्शन में उन्होंने ब्रेक किया हुआ है, और ऐसा ऐसा जो है वो डिफरेंट इमेजेस के साथ और डिफरेंट सेक्शन के साथ आपको कंटेंट डाइजेस्टेबल बनाया हुआ है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें हेडिंग्स कहाँ पे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सक्सेस स्टोरीज लिखा हुआ है ये बेसिकली एक हेडिंग है, और उसके बाद ये पॉपुलर कोर्सेज लिखा हुआ है ये भी एक हेडिंग है। उसी तरह से अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो ये न्यूज एंड इवेंट्स भी हेडिंग है, और फिर विजन एंड मिशन ये भी हेडिंग्स हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि विजन और मिशन एक ही तरह की दो हेडिंग्स हैं। ये हो सकता है कि H3 है, और ये न्यूज एंड इवेंट्स और ये ऊपर जो पॉपुलर कोर्सेज हैं ये एक ही तरह की 2 से 3 डिफरेंट हेडिंग्स हैं जो कि विजन और मिशन से डिफरेंट हैं।
सो पॉसिबिलिटी है कि ये एच टू होंगी या एच फोर होंगी। अब इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इनको ऊपर राइट क्लिक करें तो आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ये इंस्पेक्ट से भी आपको सोर्स कोड नजर आता है, ये राइट साइड पे आपको सोर्स कोड नजर आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे ये एच टू नजर आ रहा है इस पॉपुलर कोर्सेज में। लेकिन अगर आप इसको सोर्स में देखना चाहें तो हम वैसे ही इसको मैं कॉपी करूंगा और फिर मैं राइट क्लिक करूंगा, व्यू पेज सोर्स में जाऊंगा और यहाँ पर मुझे जब इसका सोर्स कोड लोड हो जाएगा मैं कंट्रोल एफ करके फाइंड करूंगा अपना टेक्स्ट और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट जब करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि ये पूरे एचटीएमएल में ये कंटेंट कहाँ पर पब्लिश्ड है। सो आप देख सकते हैं कि इस रो में ये जो कंटेंट है एच टू ये बिल्कुल उसी तरह से विजिबल है जैसे हमें फ्रंट पे नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है कि ये एच टू है ना कि एच थ्री या एच वन या कोई और हेडिंग है। इसी तरह से अगर आप नीचे स्क्रोल करेंगे तो हम ये देख लेते हैं कि विजन और मिशन ये एच वन या एच टू एच थ्री इसमें क्या लगा हुआ है। मैं इसको चेक करके इंस्पेक्ट किया तो आप इंस्पेक्ट में देख सकते हैं कि ये भी एच टू है लेकिन इनकी डिजाइन डिफरेंट है। सो हेडिंग्स में आप नॉर्मली कीवर्ड्स स्प्रेड कर सकते हैं। अगर मैं एससी की एग्जांपल लूं तो जहां पॉपुलर कोर्सेज लिखा हुआ है वहां पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज भी हो सकता था, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर डिजी स्किल्स अगर ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज एक कीवर्ड हो सकता है जो यहाँ पर ऐड हो सकता है। सो अगर इसकी ऑप्टिमाइजेशन करना चाहें तो मैं ये चाहूंगा कि हम यहाँ पर एक ऑनलाइन का वर्ड ऐड कर दें ताकि अगर पॉपुलर कोर्सेज की बजाय पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज लिखेंगे तो गूगल को ये लगेगा कि ये वेबसाइट ये पेज जो है ये ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में है। जैसे कि आपने देखा कि डिजी स्किल्स के ऊपर वो जो पेज डिवाइडेड था वो डिफरेंट हेडिंग्स में था, उसमें कहीं पर एच टू तो कहीं पर एच थ्री यूज हो सकता था। एच वन हमने नहीं देखा, हमने बाकी हेडिंग्स नहीं देखी, लेकिन ये मैटर नहीं करेगा। ये मैटर तब करेगा जब आप किसी वेबसाइट की एसईओ करेंगे और अगर आपको लगता है कि कोई चीज मिसिंग है एच वन नहीं है तो आप अपने क्लाइंट से कहेंगे या आप अपने डेवलपर से कहेंगे कि उसमें एच वन डाले। अगर आपको ये लगता है कि उसमें एच टू एच थ्री ज्यादा दफा यूज हुआ है तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली गोल हमारा ये है कि जब भी हम हेडिंग यूज करें उसके अंदर हम प्रॉपर कीवर्ड्स यूज करें और ये कीवर्ड उसी ग्रुप में से आएंगे जो हमने फर्स्ट टाइम इसको असाइन किया था, और आप तब देख सकेंगे कि जहां पर अगर एक वर्ड एक तरह से लिखा हुआ है उसको अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट करके थोड़ा सा लंबा करके या उसमें कीवर्ड घुसाने की कोशिश करें तो वो एक अच्छी आपकी ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिस होगी जिससे गूगल आपको फिर रैंक करने में जो है ऊपर आपको लेकर आएगा। अगर आप ये हेडिंग्स को मिस कर देंगे, अगर इसमें आप कंटेंट या कीवर्ड्स नहीं ऐड करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी एसईओ में आपको वो रैंकिंग या वो नंबर ना मिले जो आप इस हेडिंग से विन कर सकते थे।